देना है, ईमानदारी से देना है, ये करना है, ये करना है, ये वहां का हक है, यह भी नजर में आ गया। मगर इस कायनात में आने का क्या मकसद है वो ढूंढना है हमने। हमारे न्यूजीलैंड में तो आने का मकसद ये कि ये ट्राई सीरीज है, ट्राई सीरीज खेलेंगे, 100% देंगे, सब कुछ करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह का मकसद है। फिर यहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए जाएंगे, वहां अलग मकसद हो जाएगा फिर हमारा। ये क्रिकेट, ये दुनिया भी मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आए हुए, इस दुनिया में किस लिए आए हुए, अल्लाह जल्ल जलालहु की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद है। अगर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना तो हमने कुछ नहीं पाया। फिर जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने सब कुछ मान लिया, और जिसने अल्लाह की मानी उसको सब कुछ मिल गया। अब अल्लाह कौन है, अब अल्लाह कौन, क्या अल्लाह ने क्या क्या किया हो? अल्लाह जल्ल जलालहु खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक जात नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहु मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। अल्लाह जल्ल राजिक है, अल्लाह के सिवा कोई राजिक नहीं। अल्लाह जल्ल रब है, पालने वाले है, अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं। यहां पे सारी बात खत्म हो जाती है अगर हम इन चीजों को मान लें। सिर्फ हाजी साहब फरमाते थे, हाजी दुआ साहब के अगर अलग जमा फरमाए कि 1000 दफा या 10000 दफा अगर मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह की वजह से कुछ नहीं होता, ये बहुत भारी अल्फाज है, ये बहुत भारी अल्फाज है। कि भी अकेले रूम में बैठ जाओ और ये अल्फाज बार बार दोहराओ, आवाज से जरा आवाज तेज करो कि अपने आपकी कान सुन ले, फिर देखना क्या फीलिंग आती है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह की वजह से कुछ नहीं होता। क्योंकि शैतान तो इसी के पीछे पड़ा हुआ है, शैतान तो यही कह रहा है कि नहीं ये नहीं करो, ये ना बोलो। बोलते भी तो शर्माते हैं, जो हकीकत है बोलते भी तुम शर्माते हैं इस पे कि अल्लाह से होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। 10000 या 1000 दफा ये अल्फाज मुंह से निकलेंगे, एक दफा दिल मारेगा, एक दफा दिल से आवाज आएगी कि अल्लाह से होता है, लेकिन ऐसे। और फिर ऐसा फरमाते थे कि आपके अल्फाज जाया नहीं जा रहे हैं, अगर 10000 दफा 20000 दफा 30 दफा भी बोलते रहो ये चलते रहा इंतजाम कि अल्लाह से होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। कि तेरे हर अल्फाज का जवाब अल्लाह पाक ऊपर से दे रहा है। और फिर उनको बताया कि ये बंदा तूने सच बोला है, मुझसे ही होता है, मेरे गैर से कुछ नहीं होता। अब ये अल्लाह का निजाम, अल्लाह चला रहा है और हम अल्लाह को नहीं ढूंढ पा रहे, हम कोई और चीज में फंसे। रब अल्लाह जल्ल जलालहू है। रवायत में आता है, मफहूम ऐसे है, एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई, बीमारी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल रब्बा की अल्लाह पास कि अल्लाह मुझे तकलीफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा एक जंगल बताया, फला जंगल चले जाओ, उस जंगल में पौधे पत्ते जो चीजों बता दिए वो कहो शिफा मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसी जंगल जाते हैं, उसी जंगल के जो पौधे पत्ते बताए होते हैं वो खा लेते हैं, अल्लाह जल्ल अल्लाह ही शिफा दे देता है। अब कुछ अरसे बाद फिर वो तकलीफ बस आ जाती है, अलकबी शुमा फरमा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से राबता नहीं करता, सीधा उसी जंगल जाता है जहां दरख्त पत्ते पौधे जो बताए थे वही खाए, वो फिर खा ले। मगर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम शिफा नहीं मिलती। उसके बाद रब्ता करते अल्लाह पाक से कि अल्लाह पहले तो भी तकलीफ सारा कुछ था, अभी भी वही है, पहले भी जंगल के पौधे पत्ते का शिफा मिली, अभी मुझे शिफा नहीं मिली। तो अल्लाह पाक कैसा फरमाते, ए मूसा उस जंगल में, उस पौधों में, उस पत्तों में शिफा नहीं था, तेरे लिए मैंने शिफा का जरिया बनाया। अब हम यहां पर देख ले कि हमें कोई तकलीफ आती है तो हमारी पहली नजर किस तरफ जाती है, क्या हमारी पहली नजर मस्जिद में 2 रकात पे जाती है कि नहीं? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, तो हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम कभी सख्त अमर पेश आता फौरन नमाज की तरफ वो तवज्जो हो जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम को जिसके लिए पूरी कायनात उसी जो से बनी हुई थी, कोई भी सख्त अमर आता था सामने फौरन नमाज की तरफ वो तवज्जो हो जाते थे। और फिर फरमाते हैं कि नमाज की तरफ वो तवज्जो होना गोया अल्लाह की रहमत इलाही की तरफ वो तवज्जो होना है। मगर हम खुद देख ले कि हम पे अगर कोई तकलीफ आती है तो हमारी नजर किस तरफ जाती है। अगर कोई कारोबारी दुनियावी कोई चीज है तो कोई बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या इसके थ्रू चले जाए ये काम हो जाएगा। अगर कोई बीमारी वगैरह है तो फिर क्या कहते हैं, किसी डॉक्टर की तरफ इमरजेंसी में दौड़ते हैं। ट्रांसलेशन वो
آخر میں آخر میں آپ کر دو گے, سکرین پر آخر میں آپ کر دیں گے.